यह शहीद रुचिन रावत की आखिरी यात्रा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए लांस नायक रुचिन रावत शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया। भारतीय सेना की गाड़ियों का यह काफिला चमोली के शहीद रुचिन का पार्थिव शरीर लेकर गैरसैंण पहुंचे हैं, ताकि एक बूढ़ी माँ और एक पिता अपने शहीद बेटे को आखिरी बार देख सके। जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ के बाद देश ने एक अपना बहादुर जवान ही नहीं बल्कि एक 4 साल के बेटे ने अपना पिता भी खोया है। रुचिन भारतीय सेना के 9 पैरा कमांडो में लांस नायक थे और इन दिनों उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में थी। रुचिन यहां अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे, लेकिन महज 29 साल की उम्र में ही उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। रुचिन सिंह रावत 9 पैरा रेजिमेंट की, फ्राइडे को मतलब यानी कि शुक्रवार को रिजौरी सेक्टर में उनकी इनपुट मिला था कि वहाँ कुछ टेररिस्ट की एक्टिविटी है। तो पैरा एक ऐसे रेजिमेंट है एंड पैरा एक ऐसे उनके अंदर जो सोल्जर्स है वो हर टाइम पर देश के लिए और अपना खुद की घरों के लिए किसी चीज़ के लिए भी करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे उनको इनपुट मिला था, ये एक टीम गया था उनको कैजुअलिटी करने के लिए, बट बाय मिस्टेक जो भी ऑपरेशंस की वजह से रुचिन सिंह रावत ये जो गांव का देश के लिए बलिदान देना पड़ा। और ये गर्व की बात है हमारे इंडियन आर्मी के लिए भी और ये जो गांव के लिए भी। मैं इसकी फाइनल रिचुअल्स के लिए आया हूँ इधर, लेकिन मैं जितना इनके गांव की जो सपोर्ट है, जो इनके अंदर स्पिरिट है देश के लिए और अपना भारत माता के लिए, ये बहुत गर्व की बात है। ये देख के हमारे को और खुशी हो जाती है कि देश के लिए और अच्छा काम करें और देश के लिए कुछ भी करने के लिए हम हर टाइम पर तैयार। बचपन से ही देश सेवा का जुनून रखने वाले शहीद रुचिन रावत 17 साल की उम्र में ही भारतीय सेना में भर्ती हुए। इसके बाद उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद वो पैरा कमांडो के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वहीं शुक्रवार को रुचिन के शहीद होने की खबर मिलते ही चमोली जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि शहीद रुचिन 3 भाई बहन हैं। उनका एक भाई नेवी में जॉब करता है और उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनकी शादी हो चुकी है। साथ ही शहीद रुचिन की शादी करीब आज से 5 साल पहले हुई थी। जी निश्चित रूप से, जब कल ये समाचार मिला कि हमारे एक छोटे भाई ने हम यहाँ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है राजौरी सेक्टर में, जो कि आतंकवादियों के द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत थी और उससे पूरा क्षेत्र में कल शोक की लहर थी। आज आप देख पा रहे होंगे कि पूरा महल चोरी, पांडुआ खाल, पूरा मार्केट बंद था। अपने पीछे हमारे शहीद रावत अपने पीछे अपनी दादा, अपनी दादी, अपनी माता, अपने पिताजी, अपनी पत्नी और एक 4 वर्षीय छोटे से बेटे को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। निश्चित रूप से दुख की बात है, शोक की बात है, लेकिन एक गर्व भी महसूस होता है कि जब हमारे शहीद इस देश की माटी के लिए, इस माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, तो ये गौरवमयी क्षण भी और ये तो एक इतिहास बना है उत्तराखंड का। यहाँ लगभग हर परिवार से अगर हम औसतन देखें तो एक हर परिवार से एक युवा सेना में है जो कि अपनी सेवाएं दे रहा है, तो ये इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात। देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि कहे जाने वाली पहाड़ की इस धरती पर एक और शहीद का नाम जुड़ चुका है और रुचिन रावत की शहादत को आज हर कोई याद कर रहा है। आंखें नम हैं, लेकिन गर्व के साथ सबके सीने फूले हुए हैं। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नयन की रिपोर्ट।